दोनों वापस ज्वाइन कर लेना। क्या सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आया बच्चों? हाँ है ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो अगेन सही बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। एंड यस जी, सो बेसिकली बच्चों हमने बच्चों लास्ट क्लास में ना, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ाई किया था दैट इज एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ाई किया था। हमने पिछले आपका एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ाई किया था बच्चों। अगेन चैट बॉक्स में बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैं चैट ऑफ कर। तो बच्चों हमने लास्ट टाइम टॉपिक रिवाइज किया था, हमने ये देखा कि आपका रदरफोर्ड मॉडल जो बच्चों वो आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बच्चों वहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको, खासकर थ्योरी एग्जाम के अंदर। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा था कि रदरफोर्ड ने और थॉमसन ने क्या, अच्छा बताओ मुझे बताओ, थॉमसन उन्होंने क्या बोलता है? कौन बताएगा हैंड रेज करो बच्चा, थॉमसन उन्होंने क्या बोला था हैंड रेज करो, कौन बताएगा? हाँ सुनते बोलो, क्या बोला था थॉमसन ने? सर थॉमसन ने बोला था कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो वैसे है जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं उसके। एकदम से बोला, एकदम से बोला। और एक पॉइंट बोला था थॉमसन ने, ये बोला कि जो जो आपका एटम मास है ना, आपका एटम का जो उसको आपका क्या, वो हर्जा फैला हुआ है, वो आपका हर्जा फैला हुआ है, ये इसने बताया था। लेकिन होता क्या बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो एटम बच्चों वो आपका हर्जा, उसका मास हर्जा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो कहाँ पर होता है? एटम का मास आपका न्यूक्लियस के अंदर आता है। दोस्तों को बच्चों सर है ना, तो एटम का जो मास है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर आता है। और हमने ये देखा बच्चों जो आपका थॉमसन मॉडल था उसने क्या बताया बच्चों? उसने एटम जो आपका न्यूट्रल के, वो हमने बताया, वो हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था, ठीक है ना? ये हमने पढ़ाई किया था। देन बच्चों देन हमने पढ़ा आपका रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, देन हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। हमने रदरफोर्ड मॉडल क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये देखा कि आपका जो एटम है ना, सॉरी हमने ये देखा कि रदरफोर्ड ने यूज किया था गोल्ड फॉइल, उसने यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज किया था, और गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना बच्चों था? ये था आपका 100 नैनोमीटर। गोल्ड फॉइल थिकनेस आपका 100 नैनो थिकनेस था, ये बच्चा हमने देखा, राइट? एंड हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को क्या, वो क्या पास करा था? अल्फा पार्टिकल को पास पास कराया था गोल्ड फॉइल से। तो हमने बच्चों को ऑब्जेक्ट दिखा, हमने ये देखा कि जितने भी आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे, वो क्या कर रहे हैं? वो आपके गोल्ड फॉइल जा रहे हैं, वो आपके गोल्ड फॉइल से आर पार चल जा रहे हैं। दैट इज हम ये बोलेंगे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासस थ्रू गोल्ड फॉइल। पर इससे मैं समझ में क्या बच्चों आया? इससे मैं समझ में आया कि जो आपका एटम है ना, हमें ये समझ में आया कि एटम में जो स्पेस है वो कैसा बच्चों, एटम स्पेस वो कैसा बच्चों, वो आपके लिए एम्प्टी है, मतलब कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। सिंपल सी बात है, रीजन क्या बच्चों? देखो सिंपल सी बात है, थॉमसन ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज वो हर्जा फैला हुआ है, वो आपका एटम में हर्जा फैला हुआ है, और जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज कैसा, उसका चार्ज कैसा है? उसका आपका, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपका पॉजिटिव हर्जा फैला हो तो आपको क्या टकरा के वापस बाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि अल्फा आपका आर पार चले गए, आपके अल्फा आर पार चले गए, ये हमने देखा। दूसरा पटन में क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि 20,000 अल्फा, आपका 20,000 अल्फा पार्टिकल में कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या हो बच्चों, कैसा वो आपका वन अल्फा पार्टिकल, ये क्या बाउंस बैक, ये आपका बाउंस बैक किया 180 डिग्री। डिग्री इससे मैं क्या समझ में आया बच्चों? इससे मैं ये समझ में आया कि जो आपका एटम है, एटम के अंदर क्या बच्चों, एक आपका एक सेंटर है, एक कोर है, जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिससे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या बच्चों, क्या है न्यूक्लियस में? आपका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज है। और हमें यह भी समझ में आता है कि जो आपका एटम है
एटम में जो आपका मास है ना, एटम का जो मास है वो कौन डिसाइड करता है बच्चों? वो आपका न्यूक्लियस डिसाइड करता है, वो आपका न्यूक्लियस डिसाइड करता है। क्यों बच्चों? बिकॉज न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, आपका क्या होता है उसमें आपका प्रोटॉन भी होता है और आपका न्यूट्रॉन भी होता है। तो एक बार ये हमने पर आपका रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ाई किया था, रदरफोर्ड आपके और थॉमस बोल से। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों? हाँ यार। यस सर। ओके। यस सर। यस। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? फिर हमने ये पढ़ा कि जो आपका चार्ज है, हमें पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, हमें पता चला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कहाँ से पता चला बच्चों? वो आपका मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट से पता चला। हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना कितना बच्चों? इतना, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों? हमने फॉर्मूला यूज किया दी अल्फा, दैट इज Q = NN2E। क्योंकि आपका चार्ज एंड आपका नंबर है, ये आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और हमें ये पता बच्चों कि जो आपका थॉमसन थे, उन्होंने चार्ज अपन मास का रेशियो निकलता कितना क्या था बच्चों? निकलता था, दैट इज 1.75 × 10⁻¹ कूलम पर केजी। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ मुझे क्या मिला बच्चों? मुझे मिला मास इलेक्ट्रॉन, कितना मिला बच्चों? 9.12 इतना मिल गया। तो हमें ये पता चला बच्चों, हमने क्या बच्चों, हमने किया, हमने यहाँ पे सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के उसका चार्ज निकाल दिया और हमने उसका मास भी निकाल दिया था। तो ये पार्ट हमने बच्चों प्रॉब्लम पढ़ा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? पढ़ने वाले आपका सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ने वाले हैं। हम ये देखते बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना बच्चों? कितना चार्ज है उसका? चार्ज ये, दैट इज 1.6 − 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है। सिम बच्चों, जब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन का चार्ज कितना बच्चों? सेम चार्ज है बच्चों, खाली इसका चार्ज, इसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है और एक से ये आपका पॉजिटिव है। इतना सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों जब बात करते न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन चार्ज कैसा चार्ज है? न्यूट्रॉन का आपका जीरो चार्ज है, न्यूट्रॉन का आपका जीरो चार्ज। इतना सब कुछ समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट। अब देखो, हमने चार्ज के बारे में बात कर लिया, अभी हम क्या किसके बारे में बात करते बच्चों? अभी हम बात करते हैं आपका मास के बारे में। अब देखो, हमने ये देखा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है कितना था बच्चों? ये आता आपका 9.12 × 10⁻³ के बराबर। तो अब कैसे बच्चों? ये आपका बहुत स्मॉल है, ये आपका बहुत छोटा बच्चों। कैसे पता चला बच्चों? पता चला बिकॉज इसका ऑर्डर कैसे बच्चों? 10⁻³ है। तो कितना छोटा सोचो। फिर हम बात करते हैं प्रोटोन की बात करते हैं, प्रोटोन का मास कितना बच्चों? ये आपका 10⁻²⁷ है। कंपेयर टू न्यूट्रॉन आपका थोड़ा ज्यादा मास है, लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन मास कितना बच्चों? कितना है? ये आपका 1.674 × इतना, मतलब कितना बच्चों? थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये क्या बच्चों? ये आपका आपका सब एटॉमिक पार्टिकल का मास हमें पता चल गया। तो सारे बच्चे इसको जो नोट करो बच्चों, कम ऑन, ये वैल्यू को और इसको नोट करो, कम ऑन। सारे बच्चे करेंगे, जिसका हो गया वो थम्स अप कर दो, कम ऑन। डन सारे बच्चे? ओके। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये पार्ट बच्चों हमारा हो गया। अब देखो बच्चों, इवन मैं बोल रहा हूं, ये सोच रहा हूं, तो आगे वाला पार्ट बच्चों, ये भी बच्चों आपने एग्जाम पढ़ा होगा, ये भी आप बच्चों आपने स्कूल में पढ़ा होगा। अब इसको पढ़ने से पहले बच्चों, हम ये देखते बच्चों कि अगर हम कोई भी एटम को, दिखाते हैं, लिखते, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? तो बच्चों उसका फॉर्म होता है, कैसे होता है बच्चों? आप बोलोगे एक्स जेड और ए। यस सर। जेड का तो बच्चों ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। एक्स क्या होता है बच्चों? ये आपका एटम का सिंबल होता है। Yes, ये आपका एटम का सिंबल होता है। और ए क्या होता है बच्चों? ए होता है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये आपका एटॉमिक मास होता है। अब देखो, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो किस पर डिपेंड करता बच्चों? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिपेंड करता है, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिपेंड करता है। कौन सा बच्चों? एटॉमिक नंबर। जब बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में, वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन। तो हमें क्या मिलता है, हमें आपका एटॉमिक मास मिलता है। तो सारे बच्चे ये जो मैं पॉइंट दिखा है, ये जो मैंने आपको ये पॉइंट लिखा बच्चों, इसको जरा नोट कर लो, एंड अगेन ये पॉइंट इसको जरा नोट कर लो। अब देखो, अभी आप ये बोल सकते हो, अभी आप ये कुछ आ सकते बच्चों, क्या सर एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर, क्या आपका नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है? तो बोलोगे हाँ नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर भी है, लेकिन अगर आपको कोई, अगर मान के चलो कि एटम में कोई चार्ज आ गया है, तो वहां पे क्या हो चुका होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है। अब देखो हम ये बोलेंगे बच्चों, अगर आपका एटम का चार्ज है नेगेटिव, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे, इलेक्ट्रॉन के बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा है, जितना चार्ज होगा बच्चों उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अगर आपका कैसे बच्चों, अगर आपका है पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है एटम के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कैसे बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन कैसा, इलेक्ट्रॉन सबका कम है, कम है, जितना चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा, इतना आपको ध्यान देना है। तो सारे बच्चे तो ईयर पर सबको समझ में आ गया बच्चों? हाँ ना दिव्या, प्रणति, विशाल, अर्पित, सारे बच्चे ये पार्ट हो गया। अब देखो फिर हम बात करते, हैं आपके आइसोटोप्स के बारे में। अभी आइसोटोप्स क्या था बच्चों, आप बोलोगे आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, क्या बच्चों क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे उसका नंबर प्रोटॉन सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे आइसोटोप्स, दैट इज The difference due to the difference in neutrons, क्या होता है यहाँ पे, आपका neutrons अलग होगा। इतना सब कुछ समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. अब बच्चों देखो, ये देखो ये जो examples आपको note करना है, कौन सा बच्चों? ये मैं बोलूँगा पहला वाला part, जो carbon उसको note करना बच्चों, एक carbon 12 है, एक carbon 13 है, एक carbon 14 है, ठीक है? ये पता करना है। देन आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होगा बच्चों, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का दो आइसोटोप होगा, एक नाइट्रोजन 14 एक नाइट्रोजन 15। सिमिलर बच्चों हाँ हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम भी होता है, हम ऐसा बोलते बच्चों H11, हम बोलते हैं H12, हम बोलते हैं H13, ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन बच्चों देखो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये बच्चों, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन आपका मास नंबर अलग अलग है, ठीक है? अब देखो सिमिलर बच्चों बात करते हैं आपका बोरोन के बारे में, तो बोरोन जब आएगा बच्चों उस टाइम करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है, इतना वैसे समझ में बच्चों। और हाँ ये जो आपका यूरेनियम है इसको ध्यान रखना, एक होता है यूरेनियम 233, एक होता है U35, एक होता है 230। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा ईएल पार्ट है, जो आपका यूरेनियम 235 बच्चों ये आपका ज्यादा ज्यादा पाया जाता है, तो ये इसको इसको जरा बच्चों आप नोट करना, हर बच्चे हो जाए तो मुझे बोलना। डन सारे बच्चे? यस सर। ओके ओके ओके, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या बात करें बच्चों, फिर हम बात करते हैं आपका आइसोबार के बारे में। अभी आइसोबार मतलब क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे इसमें क्या बच्चों होगा, इसमें आप ये बोलोगे इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर अलग होगा। मतलब क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे उसके जो नंबर प्रोटॉन्स है, आप बोलो देखो याद रखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नंबर प्रोटॉन अलग अलग है। अब सिंपल सी बात है, हमने ये देखा जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, राइट? तो यहाँ पे आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, हम इससे कहते हैं आइसोबार्स। तो एग्जाम्पल क्या बच्चों, एग्जाम्पल से आर्गन का, आप क्या बोलो बच्चों, ऐसा बोलोगे दैट इज आर्गन 40 18, आर्गन 14 19, आर्गन 40 यहाँ पे आ गया आपका कार्बन, आर्गन आ गया, यहाँ पे आ गया आपका पोटेशियम, और यहाँ पे आ गया आपका कैल्शियम। तो ये सब क्या बच्चों, ये सब किससे, ये सब आपके आइसोबार्स, सबका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर लगे, समझ में आ रहे बच्चों? हाँ या ना?
यस सर यस यस ओके बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चों अभी हम बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में, अभी हम बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। अभी आइसोटोन्स क्या होता है बच्चों बोलोगे, अब बोलोगे इसमें क्या बच्चों, अब बोलोगे इसमें क्या बच्चों होगा आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन सेम होगा, लेकिन अब बोलोगे डिफरेंट क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे डिफरेंट क्या बच्चों, आप बोलोगे मास नंबर डिफरेंट होगा और आपका एटम नंबर डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दिख रहा है बच्चों? देखो बच्चों सल्फर फ्लोरीन आर्गन ये सब के, ये सब आपके आइसोटोन्स है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है सबका, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? तो आगे बढ़े बच्चों, अब देखो अभी हम बात करते हैं आइसोलेटर के बारे में, तो ये क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे the species that is atoms or ions having the same number of electrons, agar aapka number of electrons same hai to kya kya kehlega bachcho, kehlega wo kehlega aapka isoelectronic, ab dekho agar main se to tum hydrogen helium positive ally 2 positive, ab dekho hydrogen mein kitne electron bachcho, kitne electron hai aap bologe ek electron hai, helium mein kitne ho bachcho, yahan pe bhi ek electron hoga, यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा बच्चों, किस होगा हो, इसे हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हम इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर यस सर यस सर। तो अभी मुझे लग रहा है बच्चों आप, अभी मुझे लग रहा है कि सारे सब बच्चों को है ना आइसोटोप्स आइसो बार्स आइसोटोन्स और आपका आइसोटोप सब समझ में आ गया, डन सर बच्चे? यस सर यस सर अब मुझे बताओ विशाल, विशाल मुझे बताओ क्या आइसोटोन्स में क्या डिफरेंट होता है, आइसोटोन्स में क्या डिफरेंट होता है आपका, आइसोटोन्स में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, एकदम से बोलो अच्छा क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका मास नंबर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंट होता है, डन चलो यस सर। अब ये समझो तो अभी हम क्वेश्चन देते हैं, देखो अब एक बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बच्चों देखो बहुत सिंपल है, मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसका आंसर निकालेंगे, निकले बच्चों आपको प्रोटॉन का, आपको प्रोटॉन का नंबर निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है और आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है, दैट इज 35 BR 80, सारे बच्चे आंसर निकालो, कम ऑन बहुत इजी है, कम ऑन सारे बच्चे सर निकाल लिए, जिन बच्चे आ गया, जिन बच्चे आ गया वो अपना हैंड रेस करेंगे, कम ऑन सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कम ऑन इजी है, ओके सिर्फ 3 लोग का है, बाकी लोग का नहीं है, 4 लोग का आ गया बाकी लोग का नहीं है, 5 लोग का आ गया, वेरी गुड। अब देखो अभी प्रोटॉन कितना कितना बचा आएगा, ये आ गया 35 ये आपका है एटॉमिक नंबर, अब देखो ये जो आपका एटम है इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप क्या बोलो बच्चों, जितना उसका एटम नंबर होगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा आपका 35, क्यों बच्चों, बिकॉज आपके एटम पे कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, फिर हम बात करें न्यूट्रॉन की बात करते हैं, अभी न्यूट्रॉन कैसे कैसे मिले, दो ये क्या बच्चों, ये है आपका मास नंबर, अब मास नंबर क्या होता है बच्चों, मास नंबर होता है 80 है, कैसे बच्चों आएगा, ये आएगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, राइट, तो 80 इज इक्वल टू 35 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
तो न्यूट्रॉन कितना बच, कितना बचो, ये आ गया आपका 45। सबको समझ आ गया बच्चों? हाँ या ना? आ रहा सबको? यस सर। तो बच्चों आपको ऐसे आपको एग्जाम क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल है, सिंपल है ना सारे बच्चे? यस सर। ओके यस सर। अब देखो अब क्वेश्चन क्या दे दो, लिखे दो बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर दिस, दैट इज, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो आपको दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या लिखा बच्चों, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है आपका 18, प्रोटॉन है आपका 16 और न्यूट्रॉन है आपका 16। आपको बताना है सिंबल क्या होगा। ओके आयुष वेट को थोड़ा सा, सारे बच्चे करेंगे, कम ऑन। बच्चे सर अपने आप खुद ट्राई करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपके बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वाला पार्ट है ही नहीं वाला पार्ट। अब देखो अभी जब भी आपको करना होगा बच्चों, आपको सिंबल लिखना होगा, तो आपको फोकस पे करोगे बच्चों, आप करोगे फोकस करोगे आप प्रोटोन पे, आप बच्चों हमेशा प्रोटोन फोकस करोगे। प्रोटोन नंबर कितना बच्चों, 16 है, तो आपका एटॉमिक नंबर 16 क्या होता बच्चों, आप क्या बोलोगे, वो होता आपका सल्फर, ये होता सल्फर। हाँ या ना बच्चों? यस या नो? होगा यस सर। एटॉमिक नंबर 16 तो लिखो यहाँ पे, लिखो 16। अब देखो ऊपर क्या था बच्चों, आता है मास नंबर, मास नंबर कैसे मिलता है बच्चों, मास हमें मिलता है दोनों को ऐड करके, इसको ऐड करके हमें मास नंबर मिलेगा, तो ये आएगा 16 + 16, ये आ गया 32। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आपका प्रोटॉन से दो ज्यादा है, तो क्या बच्चों आप बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे लिखेगा 2-, पॉजिटिव कितना है बच्चों आपका 2-, मतलब जो जितना आपका न्यूट्रॉन ज्यादा हो वो क्या हो आपका उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो क्या बने बच्चों, ये आ गया इसका आंसर। सब सारे बस समझ गए, प्रॉपर नोट करो बच्चों, प्रॉपर नोट करो बच्चों। यस सर, सर कर लिया नोट, कर लिया। बोलो बोलो बोलो। अब ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन पढ़ें कौन, क्वेश्चन पढ़ें कौन, हैंड रेज करो। ओके क्वेश्चन पढ़ेंगे अरुंधति, पढ़ो बच्चा। 2 atoms are said to be isobars if A, they have same atomic number but different mass number, B, they have same number of electrons but different number of neutrons, C, they have same number of neutrons but different number of electrons, D, sum of the number of protons and neutrons is same but the number of protons is different. ओके तो बच्चों सारे बच्चे वेट करिए, मैं आप बच्चे मैं पोल कर लेता हूँ, आप ट्राई करें, ठीक है ना। सर आ गया, वेट करो बच्चों। सर मेरा भी आंसर आ गया। देखो बच्चों मैंने बच्चों एक पोल, देखो मेरे बच्चों मैंने एक पोल लॉन्च किया, देखो मैंने आप बच्चों एक पोल लॉन्च किया, आप वहाँ पे एक्टिविटी में जाके बच्चों ट्राई करो, आपको आंसर करना है ABCD, क्या आपको पोल दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? नो सर। देखो बच्चों मैंने पोल सर दिखाई दे रहा है, हाँ पोल वहाँ पे करो बच्चों, क्या आएगा, हाँ ट्राई करो और क्लिक करो, क्या आंसर क्या हुआ सर, वोट नहीं दे रही, वोट नहीं दे रही, हाँ वोट दो हो। अब देखो एक बच्चे वोट दे दिया, एक बच्चे ने वोट दे दिया, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कौन ट्राई करेंगे, दो बच्चे ने वोट दे दिया, दो बच्चे लोग ने वोट दे दिया, आप बच्चे पोल ट्राई कर दो, पोल ट्राई करो बच्चों, आप एक्टिविटी में जाओ, एक्टिविटी में वहां पे आपको पोल का ऑप्शन आएगा, तीन वोट आ गया बच्चों, कमांड तीन वोट आ गया, डी। ओके एक बच्चे ने ऑप्शन ए बोला, एक बच्चे नहीं बोला, नहीं है बोला, नहीं है किसी को, वेट करो, कर दिए मैंने वोट, दस वोट आ गया बच्चों, कमांड 10 वोट आ गया, बहुत मजा आ रहा है, 11 वोट आ गया, 12 13 वोट आ गया, सर ये गेम अच्छा है वोटिंग का। Yes, sir. सर वोट काट के बिना आ रहा है, 13 वोट आ गए, 14 वोट आ गए, 14
14 वोट आ गए, तीन वोट, तीन लोग बोल रहे ऑप्शन चार, ओके वेट करते हैं अगेन, मजा आ रहा है। यस सर इंटरेस्टेड है। चलो सत्रह वोट आ गए, ओके सत्रह वोट आ चुके हैं, और एक मिनट वेट करेंगे, और एक मिनट वेट करेंगे। 18 वोट आ चुके हैं, 20 वोट आ चुके हैं, 20 वोट आ चुका है, 20 वोट आ चुका है। सर पीएम के इलेक्शन लगे हैं। 21 वोट आ चुके हैं, 21 वोट आ चुके हैं, कम ऑन सर एलवी 15 मिनट लास्ट, ओके लास्ट वोट है, लास्ट लास्ट 1 मिनट बचा, लास्ट 1 मिनट 30 सेकंड्स लेफ्ट, टाइमर स्टार्ट कर दो। ओके तो बच्चा मैं अभी बच्चों पोल को एंड कर रहा हूं, मैं यहां पे एंड पोल किया, ओके मैंने बच्चा पोल एंड कर दिया। 13 बच्चे ने बोला है ऑप्शन डी, 3 बच्चे ने बोला है ऑप्शन बी, और 6 बच्चे ने बोला ऑप्शन ए। तो होता क्या बच्चे, तो हम क्या बात करते हैं, जब बात करते हैं आइसोबार के बारे में, तो आइसोबार क्या होगा, आप बोलोगे दैट इज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज दैट आंसर। अभी आइसोबार मतलब क्या होगा, क्या हो चुका, क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें आपका मास नंबर सेम आएगा, है ना। तो आप बोलोगे बच्चों सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम बट डिफरेंट मास, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, तो आपका ऑप्शन डी इज दैट आंसर। आई गेस आपको मजा आओगे बोल के। यस सर, यस सर, यस सर, ओके बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो, अब बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान समझना, ये आपका इंपोर्ट क्वेश्चन, ध्यान समझो इंपोर्ट क्वेश्चन। अब देखो लिखा गया क्वेश्चन, ध्यान देखो क्या लिखा है, द क्लोरीन एग्जिस्ट टू आइसोटोप्स, क्या बच्चों दो आइसोटोप है, एक आइसोटोप है क्लोरीन 37, ठीक है ना, एक क्या बच्चों एक है आपका क्लोरीन 35, ये आपका आइसोटोप है। अब क्या बोल बच्चों इनका मास, इनका एवरेज मास कितना है बच्चों है, इनका एवरेज मास आ गया 35.5 आया, और आपको ये बोला गया बच्चों इंडिकेट द रेशियो ऑफ सी 37 एंड थी 35। अब बच्चों देखो जय बच्चों क्वेश्चन है बच्चों, एक रूल होता है, होता है बच्चों देखो जब हम बात करें, जब हम बात करें, जब हम नेचर की बात करते हैं ना, जब हम नेचर की बात करते हैं, आप ये बोलोगे कि अगर आपका मान के चलो मैं, अगर मैं कोई बोलता हूँ अगर आपका क्लोरीन 35, अगर आपका क्लोरीन 37 है, अगर आपका एक कितना बच्चों, अगर आपका ये एक गुना है, अगर आपका ये वन है तो आपका क्लोरीन 35 कितना हो चुका, 35 कितना हो चुका, ये होगा आपका तीन गुना, ये आपका तीन गुना आएगा। ये बच्चों अभी आप अभी के लिए आप याद कर लो, है ना। तो आप ये बोलो बोलो बच्चों अगर आपका क्लोरीन 37 है, अगर आपका जो 37 वाला आइसोटोप अगर आपका एक गुना है तो 35 क्या होगा, आपको उसका तीन गुना होगा, तो आपका रेशियो कितना आएगा बच्चों, आपका रेशियो आ जाएगा वन, नहीं आप बोलोगे बच्चों आप 1:3। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था बच्चों, क्वेश्चन ये ऐसा आया था कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 रेशियो क्लोरीन 37, तब क्या आंसर आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे 3:1, तब क्या बचेगा, तब आप आएगा 3:1 आएगा, जो पहला वो पहले लिखोगे। तो अभी आपका आंसर, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। यस सर, इसका आएगा ऑप्शन सी। यस सर। अब देखो, अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो लिखा है, अभी देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है द पेयर ऑफ आयंस हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, जब क्या बच्चोगा आप बोलोगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जिसमें आपका सेम इलेक्ट्रॉन से बच्चों निकलना है। अब देखो अगर आपको बच्चों, अगर आपको स्कैंडियम से लेकर कॉपर एंड जिंक 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30. ये मैं बच्चों सबके एटॉमिक नंबर लिख दिए और बच्चों मैं भी पोल बना रहा हूँ, आप सारे बच्चे ट्राई करेंगे, आप उसको पोल साइंस देंगे. ओके डन सारे बच्चे? यस सर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, देखो दिख रहा होगा किसे भी तो वोट ने डाला. सारे बच्चे सोच समझ करेंगे, सारे बच्चे पहले सोच समझ करेंगे. सर डाल दी वोट. तीन बच्चों ने डाल दिया, तीन बच्चों ने डाल दिया. बाकी सर बच्चे चार वोट आ गया, पांच वोट आ गया, छह वोट आ गया. सर डाल दी. वेरी गुड बच्चा, छह वोट आ चुका है, सात वोट, आठ वोट आ गया, नौ वोट आ गया, देखो देखो आपको, देखो बच्चों आपको चार्ज देखना है, जितना ज्यादा चार्ज होगा आपको उतना रिटर्न माइनस करना है. बारह वोट आ चुके हैं अभी तक. कमान बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा है. थर्टीन वोट, फोर्टीन वोट आ चुके बच्चे. कमान और दो मिनट और, सॉरी एक मिनट और, वन मिनट और. मैं ना बच्चों स्टॉप वॉच में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मजा भी आएगा. और सर कर दी स्टार्ट. 14 वोट आ चुके, 15 वोट आ चुके बच्चों, 15 वोट आ चुके हैं. लास्ट 20 सेकंड्स. सर इतनी जल्दी हो गया, एक मिनट. मैंने 20 मिनट, 20 सेकंड अपने अंदर चला गया. लास्ट 10 सेकंड्स. सर केबीसी खेलते हैं. सर का टाइमर स्पीड है. सर केबीसी खेलते हैं. ये देखो टाइमिंग. 7 करोड़. 19 वोट आ चुके हैं. अगला प्रश्न 10 करोड़ के लिए. 3, 2, 1, 0. अब देखो अभी ना बच्चों मैंने पोल एंड कर दिया है. आप देखोगे बच्चों 20 वोट्स आए. अब 20 में से बच्चों एक वोट गया एक पे, एक वोट ए पे गया, 17 वोट गए हैं बी पे, दो वोट गया सी पे एंड एक वोट गया डी पे. तो यहाँ पे बोलूंगा मैं जनता की आवाज जा रही है ऑप्शन बी पे, तो बोलूंगा मैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ठीक है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ओके अब देखो बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. देखो अगर हम बात करते हैं आयरन, आयरन का एटॉमिक कितना बच्चों 26 है. तो बस 3 प्लस बोला, 3 प्लस मतलब कितना बच्चों ये होगा आपका 23. मैं बोल रहा हूं आयरन 3 प्लस, आपका आयरन 3 प्लस में कितना होगा बच्चों 23 होगा. मैं बोला मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज कितना बच्चों 25 है, इसमें बोला 2 प्लस, तो इसमें कितना बच्चा आएगा, इसमें भी आएगा आपका 23. तब अब बोलो बच्चों इन सब में आपका सेम आंसर आ रहा है. डन सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर. यस सर. यस सर. अब देखो ये क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन करेंगे. कम ऑन, आइडेंटिफाई द पेयर्स व्हिच आर नॉट आइसोटोप. कौन सा आपका आइसोटोप नहीं है वो आप आंसर करेंगे, वो इसका आंसर करेंगे. कम ऑन सिंपल है, जिसको आ गया वो हैंड इस करेंगे. कौन सा इसमें से आपका आइसोटोप नहीं है, कौन सा इसमें से आपका आइसोटोप नहीं होते. बहुत सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है ये आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, इजी क्वेश्चन है. कम ऑन ओके. तो अरुण बेटा आप आंसर बताओ, अरुण कुमार आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा अरुण बेटा आंसर बताओ. मुझे आंसर बताएंगे पीयूष, पीयूष भार्गव बताओ आंसर. हाँ किड्स वर्मा बताओ, वर्मा. हाँ क्या बोला पीयूष आपने, क्या बोला? ऑप्शन बी. बी बी नहीं आएगा बच्चा, बी कैसा आएगा सर मैं बताऊं? तो ये डी ऑप्शन है. तो आप बोलोगे ऑप्शन सी डी और ऑप्शन डी डी दोनों सर. सी डी सी डी. तो यहां पे दो आंसर आई शुड, क्या होता बच्चों दैट इज एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर. इसमें आपका एटॉमिक सेम होना चाहिए, यस मास नंबर होना चाहिए, डिफरेंट मास. ओके आगे बढ़ते हैं.
in which of the following pairs the ions are isotonic? इनमें से कौन से किसने बच्चा आपका आइसोटोनिक मतलब आपका सेम नंबर इलेक्ट्रॉन से इनमें से बच्चा कौन सा आपका सेम नंबर इलेक्ट्रॉन से बच्चों ये बहुत सिंपल बच्चों कम ऑन इजी है सर मैं आता हूँ वेट करो बच्चों वेट करो सर वोट कर सर वोट पूरा बच्चा सर सी मैंने मैंने पोल लॉन्च कर लिया बच्चों मैंने यहाँ पे पोल लॉन्च कर लिया कम ऑन सर दे दी वोट ओके वोट दे दिया इस यहाँ पे बच्चे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं अबे ना सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं 17 वोट आ चुके हैं 18 वोट आ चुके 18 वोट आ चुके 20 वोट आ चुके इक्कीस वोट आ चुके 24 वोट आ चुके बहुत बढ़िया टाइम चल बच्चों इन लास्ट 10 सेकंड्स तो बच्चों देखो आप बोलो दो बच्चों ने दिया है ऑप्शन बी और सात बच्चे ने बोला है ऑप्शन ए हाँ ऑप्शन ए भी सही है लेकिन ऑप्शन सी भी सही है तो आप क्या बोलो बच्चों ऑप्शन ए एंड सी बोल रहे यहाँ पे यस सर यस सर सर वो हाँ वेट करो वेट करो वेट करो थोड़ा वेट करो मैं मुझे बोलने दो अभी अब सोडियम के बच्चे सोडियम पे इलेवन होता है इलेवन अगर बात करता हूँ एन ए प्लस तो कितना बच्चा आएगा यहाँ पे आएगा आपका 10 एटम आएगा अब हम बात करते हैं एमजी के बारे में तो एमजी कितना जरूरत है बच्चों यहाँ पे 12 एटम होता है बच्चों हम इसे एमजी 2 प्लस तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे आ गया आपका 10 एटम तो ए तो आ गया आप सीधे बच्चों दो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे ए एंड सी बोथ आर द राइट आंसर सबको समझ में आया बच्चों हाँ है ना यस सर ओके बहुत बढ़िया ओके यस सर हाँ भाई सुन लिया बस करो भाई वेट करो ये बताओ यहां से बताओ इसका आंसर बताओ क्या आएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे दिव्या क्वेश्चन पढ़ो बच्चा यस सर एन एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर 13 एंड 7 न्यूट्रॉन्स व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम क्या आंसर है बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो आप ये बोलो मैं बता दो सबसे पता हो जो आपका एटॉमिक मास होता है जो आपका एटॉमिक मास क्या होता है कितना होता है ये होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना अब बोला है मास कितना 13 मास नंबर तो आप बोलोगे यहाँ पे लिखो 13 प्रोटॉन कितना प्रोटॉन फाइंड करना है और आपको 7 करना है तो प्रोटॉन कितना आ गया बच्चों ये आ गया 13 - 7 दैट इज 6 7 अगर आपका प्रोटॉन 6 अगर आपका प्रोटॉन 6 तो आपका एटॉमिक नंबर हो चुका यही आपका एटॉमिक नंबर यही आपका उसका एटॉमिक नंबर कार्बन तो आपका बोल सकते हैं क्या हो चुका यस होगा हो चुका दैट इज C6H13 यस सर कार्बन कार्बन
सबको समझ में आ रहा बच्चों? हाँ है ना? यस सर यस सर अबे बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आईएमपी देखो, ये क्वेश्चन बच्चों आप आईएमपी ध्यान समझो, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे अरुंधति, क्वेश्चन पढ़ बच्चा। Assertion A: All isotopes of a given element show the same type of chemical behavior. Reason: The chemical properties of an atom are controlled by the number of electrons in the atom. A: Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. B: Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C: A is true, but R is false. D: Both A and R are false. सारे बच्चे टाइम लेंगे और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। कम ऑन सारे बच्चे, अभी वो ध्यान समझो बच्चों, ये क्वेश्चन आईएमपी है, अगेन बोल रहा हूँ, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है। दो ऑप्शन करेगा बच्चों, देखो लिखा है All isotopes of a given element show the same type of chemical behavior. क्या जो आपका आइसोटोप से क्या वो सबका सेम केमिकल शो करते हैं? और रीजन क्या बच्चों? The chemical properties of atom controlled by the number of electrons present. कैसे बच्चों? तो आप बोलोगे बच्चों ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट इज बोथ ऑप्शन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखो, अब सिंपल से बात है ना, देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन वो भी चेंज हो जाएगा तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? यस सर। और हां यस सर। ओके बच्चों, ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको बच्चों ध्यान से पढ़ नोट डाउन करना। यस सर यस सर यस सर। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, पूछा गया, ये पूछा गया जेई 2023 में पूछा गया, मतलब कि इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन है फर्स्ट फेब को, और बोला बच्चों कि इनमें से आपका कौन सा आपका आइसोट्रोपिक है। तो ये मैं आपको बच्चा पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आप सब बच्चे ट्राई करेंगे इसका आंसर, ध्यान से करना, भागना दौड़ी मत करना। यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों, क्या यहाँ पे आपका स्कैंडियम है, ये आपका स्कैंडियम है। ये आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम टू प्लस लिखा है। एक बच्चे ने वोट कर दिया लेकिन उसका आंसर रॉन्ग है, जिस बच्चे ने वोट किया उसका आंसर रॉन्ग है, जिस बच्चे ने वोट किया है, इसलिए बोलो बच्चों समझ करो, भागा दौड़ क्यों कर रहे हो। और एक बच्चे ने वोट दिया वो भी रॉन्ग है, कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन। अब मजा आएगा, अब मजा क्वेश्चन में आएगा। कम बच्चे, कम ऑन सर, बी ऑप्शन में बी ए है कि सी ए, कौन सा बच्चे, कौन सा बोल रहे हो, ऑप्शन बोल रहे हो सर? बी ऑप्शन में वो गलत है, बी ऑप्शन गलत है, ऐसा बोल रहे हो? लिखा है सर वहां पे, इसको हटा दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे आपका सी ए तो दिया गया है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, मान के चलो इसको बेरिलियम मान के चलो, तो सिंपल से तो मेरा ऑप्शन बी तो नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी नहीं आने वाला क्योंकि गलत ही ऑप्शन गलत है। अब देखो जितने सारे बच्चे ने आंसर दिया है, हम बोलेंगे सर डी। मैं बच्चों यहाँ पोलैंड कर दिया हूँ, मैं बच्चे पोलैंड कर दिया हूँ, छह बच्चे लोग का राइट आंसर है, जिन बच्चों ने बच्चों ऑप्शन बोला है, ऑप्शन डी बोला है, उनका सही आंसर देखो। यस सर ऑप्शन डी। अब क्या हुआ, लिखा है पोटेशियम, अब लिखा बच्चों लिखा है के प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन होता है पोटेशियम, पोटेशियम होता है नाइट्रोजन होता है,
प्लस मतलब क्या होता है आपका होगा 18 इलेक्ट्रॉन। अभी देख क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है, ये होता 17 होता है, लिखा माइनस वन ये होगा 18, कैल्शियम ये होगा 20 और बोला 2 प्लस और लिखा अगेन होगा ये 18, स्कैंडियम होता 21 अगेन होगा 3 तो कितने के बच्चों ये हो गया। अब देखो बच्चों, अभी देखो ये पूछा गया जे क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताओ जरा। नो सर, नो सर, लेकिन फिर भी बच्चों 18 में से 12 बच्चे ने आंसर रॉन्ग किया है। इससे बोलो बच्चों देखो, सोच समझ आंसर करो, भागम दौड़ी मस्ती मत करो, समझ करोगे तो सारा आंसर आ जाएगा। डन सारे बच्चे? यस सर, यस सर, ओके सर। तो बच्चों अभी देखो, अभी मैं समझता हूँ बच्चों आपने आपका हर एक पार्ट क्लियर हो गया। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, ये पूरा पार्ट बच्चों अपने एग्जाम में कर लो। ओके तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ना है, थोड़ा पढ़ने वाला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर पढ़ेंगे। ओके देखो जरा डिफरेंट है बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो अब देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, वो होता क्या बच्चों आप बोलोगे, आप ये बोलोगे उसमें क्या बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और वो कैसे करके क्या करें बच्चों, वो आपका ऑसिलेट कर रहे हैं। आप ये बोलो, आप ये बोलोगे कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके परपेंडिकुलर में आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं बच्चों, हमें लिखते थे ई बार, और जब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उससे हम बोलते हैं बी वेक्टर बोलते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगर आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बच्चों जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा, ये आप कैसे परपेंडिकुलर बच्चों, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, और ये कैसा बच्चों कैसा, ये है आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैं आपको ये बोलूँ बच्चों, जितने भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उन्हें कैसे बच्चों उनको कोई मीडियम में ट्रैवल करने के लिए, चाहे हवा हो या ना हो वो आपको ट्रैवल करेंगे। तो बच्चों ये पर हम बात भी करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन भी बहुत सारे बाकी, इस पर क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, तो इसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। यस सर। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने कैसे बच्चों, आज हमने आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स सीखे बच्चों, उनका चार्ज क्या है, उनका मास क्या है उसको हमने देखा बच्चों, हमने बच्चों आइसोटोप्स आइसोबार से हमने पढ़ाई किया। ओके आई होप आपको सब कुछ समझ में आया बच्चों, क्लास मजा आया क्या क्लास में आपको? यस सर, यू आर ग्रेट। ओके तो बच्चों यहां पे हम क्लास को एंड करें। यस सर, माइक ऑफ कर लो। यस सर, ओके बाय टाटा, सी यू।